मना तो समझो को हमारे छोरी रे एज भरता रहे के। क्योंकि ए है भाई के नारदी हंगो नहीं नकार के अरे एज को नहीं के पितर मान सब एक बात के देवता आया तो बेना ध्यान दीजो सब जन मैना मनी मन विचार करियो पार्वती माता सब शंकर भगवान दा मारे छोरी रा भरता ए अड़ा अड़ा जो सजोड़ा धजोड़ा अड़ा यदि मुनि भी अड़ा है नौकरी अड़ा है तो मारे छोरी रा भरता तो उन्हें तो कोई सवारी कोई पारी हम मैना छोरी तो कब नहीं पारी इतना न माने ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी भी आप आपने मान माता ने बोला ओटे मैना बड़ी सर अरे तो कई नाती क्या करता यार ओटे मैना पूछ के अरे नाती मरा ये है भाई क्योंकि नहीं नहीं माता जी ये तो भगवान हरि है भगवान विष्णु है ये तो आप जने क्योंकि मैना और बटे पड़ी इतर माने सब एक बात एक सब देवता आ गया है भगवान शंकर आप रूप बदल और आपरा जीता भी जो घन था उन गणों ने तो प्रेत पिचास और उमरी रूप बड़ा बहुंदर रूप धारण किया कितने के ध्यान देना वहां पर नाना प्रकार कैसे भयंकर शब्द मर्म ध्वनि जो आकाश और पृथ्वी को एक करे ऐसे ऐसी ध्वनियां कर रहे थे गांव के कोई अंधे थे तो कोई सीखे हाथ में दंड देख कर था कोई पसान नहीं उल्टो बांध कोई स्ट्रिंग बजा रहा था कोई डमरू बजा रहा था कोई गोमुखी बजा रहा था अनेकों वहां पर शंकर दिव्य मैना ने वहां पर देखा शंकर भगवान के सारे गुणों को तो मैना वहां पर बड़ी दुखी हुई बड़ी व्याकुल हुई मैना तुरंत वहां पर भय से व्याकुल होकर के एक मुंडे को पांच मुख और एक चिंता मात्र तीन मुख की रोद्रे इंद्रिया एक इंद्रिय पे ज्ञान है जिला पांच मुख एक मुंडा मत तीन औंकियों न मोटी मोटी जटा लंबी चौड़ी जटा बिखरोड़ी न कुछ जटारो उठे सापो बांधियोड़ो अन उन जटार मारने गंगारी धारा पैरी न माते चंद्रमा न कई हाप न गोईड़ा हाँ मोटा मोटा कोई जटा में बैठा कोई गला में बैठा कोई हाथों